हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा सब्जेक्ट है आप जो ऑनलाइन पेमेंट करते हो वो सेफ है या नहीं, तो लास्ट तक देखते रहिएगा। देखते हो आप गूगल प्ले पे जो भी पेमेंट करते हो, गूगल प्ले का पहले नाम तेज था और उस अब वो नाम चेंज करके गूगल प्ले रख दिया है। और गूगल प्ले की सिक्योरिटी हाई सिक्योरिटी है। गूगल प्ले है वो आप उसमें मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, डीटीएच जो चैनल है वो भी आप रिचार्ज कर सकते हो, इलेक्ट्रिशन बिल, टिकट बुकिंग और एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप कर सकते हो। तो उसमें क्या है गूगल प्ले ने मैंने बोला आपको कि उस वो अलग अलग बैंक अकाउंट से आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो और उसका ये बेनिफिट था, तो बेनिफिट है तो फिर उसका लॉस भी होगा। तो उसमें क्या होगा कि आपके पास गूगल के पास वॉलेट नहीं है, आपको जो फैसिलिटीज़ है वॉलेट फैसिलिटी इसमें नहीं मिलती है। और आप फर्स्ट टाइम यूज़र करते हो तब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इंसान को समझ में नहीं आता है तो थोड़ी दिक्कत होती है। और इसमें गूगल प्ले में आप गोल्ड परचेज नहीं कर सकते, डिफ़िकल्ट। और आगे हम देखते हैं कि क्या है, तो इसमें आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग पेमेंट नहीं कर सकते हो, डायरेक्टली आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये इसकी वीकनेस है, पर ये हाई सिक्योरिटी है, आप डेफिनेटली इस पे भरोसा कर सकते हो कि इसका डेटा कहीं लीक नहीं होगा। अब बात करें हमें तो पेटीएम की, पेटीएम काफ़ी टाइम से, पर हमें अभी 2016 पहले लोग काफ़ी यूज़ करने लगे कि उसमें वो यूपीआई कनेक्टेड है, उसमें वॉलेट फैसिलिटीज है, तो सब लोग ये पेटीएम यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल, डीटीएच रिचार्ज, टिकट बुक सभी और डिजिटल गोल्ड परचेज भी आप कर सकते हो क्योंकि यूपीआई से कनेक्टेड है, बैंक टू बैंक पेमेंट भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग क्योंकि इसमें वॉलेट की फैसिलिटीज़ है, इसीलिए आप ये सब इसमें हाई सिक्योरिटी नहीं है तो सेफ ना के बराबर है क्योंकि हम बैंक से वॉलेट में पैसे डालते हैं सभी, और वो वॉलेट में पैसे डालने से क्या हमारी सिक्योरिटी कम हो जाती है। और जो भी आपका ट्रांजैक्शन है अभी नेगेटिविटी वो है कि 4% जीएसटी लगता है आपको कोई भी ट्रांजैक्शन से, तो ये इसकी नेगेटिविटी है। और ये हाई स्पीड सिक्योरिटी नहीं है तो हम ऐसे ही 100% भरोसा इस पर नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि फोन पे में इसी तरह वॉलेट की फैसिलिटीज़ भी है, सभी जो काम आप पेटीएम में कर सकते हो फोन पे में भी कर सकते हो, और हिसाबी खर्च करते ही आप ऐसे ही उसमें अगर आप कोई भी टिकट बुक करते हो और कुछ मिस्टेक हो जाए, ट्रांजैक्शन हो जाए, तो आप अपने आप से ही ठीक कर सकते हो। तो इसमें ये जो है वो बेनिफिट है और इसकी सिक्योरिटी 100% नहीं कह सकते, पर इसकी सिक्योरिटी गूगल प्ले की तरह सेफ है ऐसा कह सकते हैं। और इजीली इंसान को समझ में आ जाए कि वो स्टेप जैसा है वो आप इजीली समझ आ जाए वैसे ही है। इसमें भी आप डीटीएच रिचार्ज और सब कुछ कर सकते हो। तो मैं ये एडवाइस देती हूँ कि फ़ोन पे इजीली आप वॉलेट फैसिलिटीज़ है इसीलिए आप वो यूज़ कर सकते हो, सेफ है और वॉलेट फैसिलिटीज़ है तो आप उसमें कम पैसे डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हो ताकि ज़्यादा पैसों से आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो सिक्योरिटी की। तो आपको मैं तो ऐसा ही कहूँ कि फ़ोन पे ज़्यादा सेफ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।